हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमा वलेरा, न्यूट्रिशन और वेलनेस एडवाइजर। आज के वीडियो में आपको न्यूट्रीलाइट का मिल्क थिसल प्लस उसके बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ। उसका रिव्यू भी करूंगी, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो बताऊंगी, उसके खाने के क्या क्या बेनिफिट्स है और ये अपने शरीर में कैसे काम करता है वो सारी चीज बताऊंगी। तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और जो भी लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। न्यूट्रीलाइट का ये जो मिल्क थिसल प्रोडक्ट्स है वो 100% प्लांट बेस्ड है। इसके पर ग्रीन मार्क भी है, यानी कि ये 100% वेज प्रोडक्ट्स में से बनाया हुआ प्रोडक्ट्स है। इसके अंदर तीन इंग्रेडिएंट्स है मेन। एक है मिल्क थिसल, जो एक प्लांट है पिंक कलर का, जैसे इसमें दिख रहा है वैसा पिंक कलर का फ्लावर रहता है, उसमें से बनाया हुआ है, जो एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला हर्ब है। और दूसरा है इसके अंदर डेंडेलियन रूट, जो हमारी स्किन और हेल्थ को अच्छा बनाने में ज्यादा ही हेल्प करता है। और तीसरा इसके अंदर है टर्मरिक, जो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और ये भी हमारे लीवर हेल्थ को अच्छा बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर रहा तीनों ही इंग्रेडिएंट्स हमारे लीवर को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। लीवर हमारे शरीर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ऑर्गन है, जो हमारे हम लोगों ने जो खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है और वही खाना हमारे शरीर में एनर्जी देने का और हमको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसलिए हमको हमारी लीवर का केयर करना बहुत ही जरूरी है। ये जो मिल्क थिसल करके प्रोडक्ट है, ये हमको खासकर हमारे लीवर को प्रोटेक्शन देने का और उसको हेल्दी रखने का काम करता है। ये प्रोडक्ट्स में तीन मेन इंग्रेडिएंट्स है, एक है मिल्क थिसल, दूसरा है डेंडेलियन रूट और तीसरा है टर्मरिक। ये तीनों ही हमारे लीवर को स्ट्रांग बनाने का काम करता है और उसके साथ में उसके अंदर विटामिन B1, B2, B6, B12, पेंटोथेनिक एसिड, नियासिन, बायोटिन और भी बी कॉम्प्लेक्स के सारे इंग्रेडिएंट्स है, जो हमको एनर्जी देने का काम करता है। मिल्क थिसल का मेन फंक्शन हमारे शरीर में लीवर को प्रोटेक्ट करने का है। ये हमारे लीवर में को डिटॉक्सिफाई करता है, उसको हेल्दी रखता है और साथ साथ में इसमें हुए इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। जो लोगों को भी लीवर सोराइसिस का प्रॉब्लम है उसके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद रहता है। मिल्क थिसल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे लीवर को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है और उसको डिटॉक्सिफाई करने का काम भी करता है। उसकी वजह से हमारा लीवर अच्छे से प्रोटीन को प्रोसेस कर पाता है। जो लोग भी जिम में जाते हैं या वर्कआउट करते हैं, वो लोगों को मिल्क थिसल का सप्लीमेंट्स अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए। मिल्क थिसल हमारे ब्रेन की कंडीशन को बहुत ही ज्यादा असर करता है और ये उसको इम्प्रूव करता है। उसमें रही एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हमारे ब्रेन सेल्स को न्यूरोप्रोटेक्टिव करके उसको बेहतर बनाने का काम करती है। ये खासकर अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करती है। मिल्क थिसल अपने ब्रेन को बढ़ती उम्र के साथ कमजोर नहीं होने देता है, ये हमारे ऑप्टिमल लेवल तक काम करता है। मिल्क थिसल हमारे बोन्स को हेल्दी बनाने का काम भी करता है। ये जो लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है, ये लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि ये हमारे फ्रजाइल और वीक बोन्स को मजबूती देने का काम करता है। मिल्क थिसल हमारी स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। जो लोगों को भाई एक्ने या पिंपल्स का प्रॉब्लम हो, उसमें भी ये बहुत ही रिलीफ देने का काम करता है, क्योंकि उसमें रही एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हमारी स्किन के ऊपर है, जो दाग धब्बे रहते हैं उसमें जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके अंदर रिलीफ देने का काम करती है। ये खासकर हमको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में रिलीफ देने का काम करता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं होता है और उसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है। जो लोगों को भी डायबिटीज हो, वो लोगों को मिल्क थिसल का उपयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है और उसका एफिशिएंसी बढ़ाता है
और साथ में ये हमारे पेनक्रियास को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ये हमारे पेनक्रियास में से डाइजेस्टिव जूसेस को ज्यादा प्रोड्यूस करता है और उसी की वजह से ही डायबिटीज वालों लोगों के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। जो लोगों को भी ज्यादा डायबिटीज है और उसकी असर सीधा उसकी किडनी के ऊपर जाती है, तो ये हमारे डायबिटीज वाले लोगों को अपनी किडनी प्रोटेक्ट करने में भी हेल्प करता है। ये हमारे किडनी को में से टॉक्सिन निकालने में हेल्प करता है, साथ में ये हमारे यूरिन को भी क्लीन करता है और हमारे किडनी में रहे स्टोन को भी घोलने में भी हेल्प करता है। ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने नहीं देता है। इसमें रही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे किडनी को अच्छे से काम करने में हेल्प करती है और उसको हेल्दी रखने में हेल्प करती है। इसमें रही एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने में हेल्प करती है। मिल्थिसल और टर्मरिक दोनों ही हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करके उसको हेल्दी रखता है और साथ में ये हमारी पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है और उसकी वजह से हमको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या में बहुत ही रिलीफ मिल जाता है। मिल्थिसल खासकर हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है। इसकी वजह से जो लोगों को भी जॉन्डिस है या फिर हेपेटाइटिस है, वो लोग मिल्थिसल का सप्लीमेंट जरूर उपयोग करें। वैसे तो ये प्रोडक्ट्स का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फिर भी जो लोगों को भी डायबिटीज है या कोई मेडिकेशन के ऊपर है, ये लोग ये प्रोडक्ट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर और डायटिशियन का कंसल्ट करके जरूर से ले सकते हैं। 12 साल के ऊपर की कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है। इसमें कोई भी प्रकार के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, कलर्स और प्रिजर्वेटिव का उपयोग नहीं किया है। लैक्टिंग वुमन या फिर प्रेग्नेंट वुमन ये प्रोडक्ट्स लेने से पहले अपने डॉक्टर और डायटिशियन का कंसल्ट जरूर करें। तो फ्रेंड्स, ये तो थे न्यूट्रीलाइट मिल्क थिसल के बेनिफिट्स। अगर आप भी ये प्रोडक्ट यूज करना चाहते हो तो एमवे की ऑथोराइज्ड वेबसाइट या फिर एमवे के ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद सकते हैं। और आपको उसके बारे में और भी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से पूछ सकते हो। और मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि आप एमवे की कोई भी प्रोडक्ट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ना खरीदें, क्योंकि उसमें आपको डुप्लीकेट या फिर एक्सपायरी डेट वाला मिलने का चांसेस हो सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताना। और भी कोई प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।